की समाप्ति के बाद मुजफ्फरपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर राजनीति तेज होना तय माना जा सकता है। आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने छठ पूजा के मौके पर धनुष चलाकर रावण वध किया। इसराइल मंसूरी का कहना था कि अहंकार और अधर्मी का हमेशा अंत होता है। कांटी विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी लश्कीपुर पंचायत में छठ पर्व की पूर्णाहुति के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांटी के पहाड़पुर के पास एक छठ घाट पर लोगों ने रावण दहन का आयोजन किया था। इसराइल मंसूरी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने खुद धनुष बाण से रावण दहन किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई कि मुस्लिम विधायक के इस कदम के क्या मायने हैं। इसराइल मंसूरी का कहना था कि कोई भी धर्म किसी को नफरत करना नहीं सिखाता। जो दिल से किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। रावण अहंकारी था, इसलिए जलाया जाता है। रावण अधर्मी था, इसलिए उसका वध हुआ। इसराइल मंसूरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने आईटी मंत्री बनाया था। नीतीश कुमार की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री और गया प्रभारी मंत्री थे। पहली बार साल 2020 में उन्हें आरजेडी से टिकट मिला और जीत दर्ज कराते हुए वो विधानसभा पहुंचे। इसराइल मंसूरी अपने क्षेत्र में सभी हिंदू पर्व त्योहारों में भाग लेते हैं। अब उनका ये कदम हंगामा बढ़ाएगा या मामला शांत हो जाएगा, इसका खुलासा भी जल्दी ही होगा। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।